तुम्हें पसंद आया? मैं चलती हूँ, मेरे डैड आ गए, मैं तुमसे कल मिलती हूँ। यह है ड्रेस, आपको पसंद आई? जल्दी चलना चाहिए, सभी जा रहे हैं, मेरे साइज की बस दो पीस हैं। जल्दी करो डैड, चलो ना। उसका नाम क्या है? उसका नाम चैपी है और फुटबॉल टीम में बहुत जल्दी। चैपी डांस के लिए मुझे लेने आएगा, तब मिल लेना। उससे पहले नहीं? डैड आपको गाड़ी तेज चलानी चाहिए। क्या वो डांस के लिए तुम्हें लेने आएगा? उसने लिमो किराए पर ली है। तो उसे ड्राइविंग नहीं आती? लिमो के साथ ड्राइवर आता है, आप परेशान मत होइए। अच्छी ड्रेस है, इस ड्रेस में अच्छी लगोगी। मैं चाहती हूँ आपको पसंद आए। मैं चलती हूँ। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, मुझे गाड़ी पास करनी है। सब पहले से ही अंदर पहुंच चुके हैं। फ्रेंड, जरा संभल कर जाना। दिखाई नहीं देता। धमाका हुआ है नाइट्स ब्रिज के ओबीटी बैंक में। ऑथेंटिक यूडीआई नाम के संगठन से भी फोन आया था, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है। Who's the authentic IRA? No idea, never heard of them. ये भगवान, शांति समझौते का अब क्या होगा पता नहीं। Shit. Listen up. Bank has just been bombed in Knightsbridge. A group calling itself the Authentic IRA just phoned it in. I want to know who they are, who's behind them. Call the Met, Sinn Féin, monitor the blogs. Is it the IRA or is it something else? ISIS, Al Qaeda? What are you waiting for? Get over there. पुलिस अधिकारियों के अनुसार मृतकों और घायलों की संख्या का अभी कोई अनुमान नहीं है। अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ के हालात बहुत खराब हैं। आपातकालीन सुरक्षा कर्मी घायलों की मदद कर रहे हैं और मृतकों की पहचान करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना है जिसे माना जा रहा है कि यह आतंकवादी हमला हो सकता है। बम धमाका ठीक 4:15 पर हुआ। ब्लास्ट का एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि शायद यह धमाका जमीन के नीचे गैसोलीन के फटने की वजह से हुआ है। बहुत बड़ी दुर्घटना है जिसे माना जा रहा है कि ये आतंकवादी हमला हो सकता है। बम धमाका ठीक 4:15 पर किंगस्टर ब्रिज में हुआ।
ब्लास्ट का एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि शायद ये धमाका जमीन के नीचे गैसोलीन हमने कितने मारे वजह से हुआ है। 12 मरे अभी तक मरे और कितने और तीन गुना ज्यादा घायल हुए हैं। 12 मरे और लगभग 3 गुना लोग घायल हुए हैं। धमाके का केंद्र किंगस्टर ब्रिज में स्थित ओबीटी बैंक। कैसी चेतावनी? कोई चेतावनी नहीं थी और इस घटना ने पुलिस को पूरी तरह हैरान कर दिया है। कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें निकलना चाहिए, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। लंदन के सभी पुलिस वाले, होटल और मकान मालिक आयरिश की तलाश में होंगे। ये जगह सुरक्षित है तो हम लोग यहीं रुकेंगे, समझे? हे भगवान, लंदन में बम धमाका हुआ है, बहुत से लोग मरे और घायल हुए हैं। हाँ। हे भगवान, लाइम आधी दुनिया तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रही है, तुम्हें पता भी है कि क्या हुआ है? हाँ हाँ, मैंने सुना। मैं तुम्हें कई घंटों से फोन कर रही हूँ, कहाँ थे तुम? मीटिंग में। मीटिंग्स? और पिछली रात तुम घर भी नहीं आए, मुझे चिंता हो रही थी। देर से आना और जल्दी जाना, बहुत सारे काम करने होते हैं। लेकिन गेस्ट रूम सोने के लिए नहीं होता। किसने कहा मैं सोया था? अब मुझसे झूठ मत बोलो लाइम, सीधी बात यह है कि तुम घर नहीं। क्या हुआ अगर नहीं आया? देखो, मुझे अभी बहुत सारे काम करने, ओके? तो ना मेरा इंतजार करना और ना मेरी फिक्र। संडे के दिन मेरे भाई के मौत की 20वीं सालगिरह है। सेंट मैरीज ने उसकी याद में एक शोक सभा रखी हुई। देखो, मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। मैं समझता हूं कि हमें इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए, लेकिन जब तक हम खतरा पहचान नहीं लेते ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, मैं जानती हूँ तुम बहुत कुछ कर सकते हो लियम। तुम हमें जो भी खबर दे सको, जो भी खबर दोगे हमें उससे बहुत मदद मिलेगी। मैं अभी काउंसिल की मीटिंग में जा रहा हूँ, जितना हो सके ढूंढने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं क्या मिलता। लेकिन इसमें कुछ नए लोग भी शामिल हैं जो फिर से वही हालात चाहते हैं। अब मैं तुमसे कुछ मांगने वाला हूँ, और तुम्हें पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। शाही माफीनामा, मुझे तुम्हारी लिस्ट याद है, उसमें 40 लोग शामिल है। मेरा भांजा उस लिस्ट में है और उसे कभी भी पारा मिलिट्री के अपराधों का दोषी नहीं पाया गया। ये लोग हत्या के साथ साथ बहुत से अपराधों में संदिग्ध हैं। ये लोग मिलकर शांति बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को माफी देना तुम्हारे लिए आसान है। ये बात हमारे बीच रहेगी, अगर तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार हो तो बदले में कुछ लोगों पर दबाव डालने में मुझे भी अच्छा लगेगा। आयरिश डिप्टी मिनिस्टर के रूप में तुमने बहुत अच्छी तरह से ब्रिटिश सरकार की सेवा की है, जो कोई आसान काम नहीं है, लेकिन ये सौदेबाजी बहुत खतरनाक है। ये मामले बहुत पुराने हैं। अगर इसे हमने अभी देखा तो शांति भंग हो सकती है। मुझे ये चाहिए कि नए मेंबर्स ने वैसी जिंदगी नहीं जी है और वो आसानी से हार जाते हैं। मैं इसे रोकने की कोशिश कर रहा हूँ,
और इस छोटे से काम से बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। ठीक है, मैं देखती हूँ, लेकिन पहले मुझे जानकारी चाहिए, सही जानकारी। समझ गया। हेलो, शॉप बंद है, आप बाद में आइएगा। हमें यहाँ के मालिक से मिलना है, मिस्टर क्विनमैन। क्विन ऊपर है, ये हमें वहां पर मिला, तुम्हारी बेटी के बॉडी के पास। क्या पहचान सकते हैं ये उसी का है? किसने किया है सब? मुझे नहीं पता सर, हम नहीं जानते, लेकिन बहुत जल्दी पता लगा लेंगे। मेरी बेटी है क्यों? क्या कोई ऐसा है जिसे हम बुला सकें, जो आपके साथ रह सके मिस्टर क्वैन? इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। ये जिन्होंने भी किया है, क्या वो पकड़े जाएंगे? हाँ। क्या उन्हें सजा मिलेगी? हाँ, उन्हें सजा जरूर मिलेगी। अब हमें चलना चाहिए। गुड मॉर्निंग ह्योग, आने के लिए शुक्रिया। बहुत समय बाद मिले लैम। हाँ सही कहा, काफी समय बाद। ठीक है, आओ बैठो। ठीक है ह्योग, तो हम सब यहाँ मौजूद हैं। क्या कोई बता सकता है कि ऑथेंटिक यूडीआई क्या है, और क्या वो भी यूडीआई का ही हिस्सा है? वो पूरी तरह नए लोग हैं या फिर कोई और? वो हर चीज को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमने पिछले 19 सालों में हासिल की है। इन्हें उन लोगों का समर्थन नहीं है जो हिंसा पसंद नहीं करते। हमारा जनादेश उस चुनाव को कायम रखना और शांति समझौता बनाए रखना है किसी भी तरह। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? छोटी रैंक के लोग उनके इन कामों में अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। हॉटहेड्स, हॉटहेड्स जिन्हें यह भी नहीं पता कि सही क्या है और गलत क्या। कभी तुम भी उन्हीं में से एक थे लैम। हाँ, बहुत पहले जब वही एक रास्ता था, और उससे हमें क्या मिला? इतनी मौतें जिन्हें हम गिन भी नहीं सकते। इस बम धमाके में आम लोगों की जानें गई हैं, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कहीं भी कभी भी। तुम्हें ऐसा लगता है कि बॉम्बर हमारे में से ही कोई है? विस्फोटकों पर ब्रिटिश आईडी, हमारे यहां का बना हुआ सेमटेक्स इस्तेमाल हुआ। उन्होंने हमारे ही कोडवर्ड यूज किए, इसका मतलब हमारी कमांड से उनका कोई संपर्क है। शायद हम में से कोई हो। वो हमें बांटना चाहते हैं, वो हमें सड़कों पर लाना चाहते हैं, मुसीबत खड़ी करना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे यहां और बाहर के हथियार गोदामों की पूरी चेकिंग चाहिए। हर एक चीज चेक करो, बंदूकें, सेटमैक्स, हर एक चीज। तुम कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो? नहीं, मैं बहुत सीरियस हूं पैटी। हम चेक करेंगे, और अगर कोई चीज गायब है तो हम उन लोगों को ढूंढेंगे जिन्हें इनकी लोकेशन पता थी, और फिर हम इन चीजों से अच्छे से निपटेंगे। Is that so bad, Brandon? Haven't you paid enough in family blood? और फिर हम इन चीजों से अच्छे से निपटेंगे। मुझे एक हफ्ते के अंदर सारे स्टॉक की पूरी लिस्ट चाहिए, उनकी लोकेशन, और हर वो आदमी जिसे इसके बारे में जानकारी थी, कुछ भी छूटनी नहीं चाहिए। सर ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, एक बार आप इसे चेक कर लीजिए। ओके सर। मुझे दिखाओ। हमने 47 पहले की फुटेज देखी है। सीसीटीवी से साफ पता चलता है कि धमाके से कुछ समय पहले उसने लंदन का चक्कर लगाया। ये पहली सीसी फीड है जो हमें मिली है। 10:53 पर वो वेंडोर के पास A413 पर साउथ बाउंड की तरफ जा रहा है। हमें गाड़ी की नंबर प्लेट से पता चला है कि एक रात पहले इस गाड़ी को रीडिंग से चुराया गया था।
और फोन कॉल्स का क्या हुआ? ऐसा अनुमान है कि बॉम्ब फोन एक्टिवेट था। ब्लास्ट जोन के सबसे नजदीकी फायर टावर्स को ट्रैक करके धमाके के समय जो कॉल बंद हुई उनकी आईडी पता लगा रहे। एक्सक्यूज मी, हेलो, आपके लिए। कॉमली, वो यहाँ पे दोबारा आ गया सर। वो चाइनीज आदमी। क्या? वो चाइना वाला लगातार 5 दिन से आ रहा है। उससे कहो मैं बिजी हूँ। मैंने कहा उससे इंतजार करो। मैं यकीन दिलाता हूँ कि यह जांच हमारे लिए सबसे जरूरी है मिस्टर क्वेन, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने आपकी बेटी को मारा है उन लोगों को पकड़ने के लिए हम हर सुराग पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन उन्हें पकड़ना थोड़ा मुश्किल है और इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? आपको उन्हें जरूर पकड़ना चाहिए कमांडर ब्रॉमली। कहा ना, ये हमारी प्रायोरिटी है। पूरे 2 लाख रुपए हैं। मुझे इसके बदले उन बॉम्बर्स के नाम चाहिए। I'm sorry, but we can't take this. Then please tell me. Just give me the name of someone in the IRA to be clear. मेरी बात सुनो, ये वो क्रूर लोग हैं जो अपनी क्रूरता पर गर्व करते हैं। अगर तुमने उनसे कोई भी संपर्क किया तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। ये हमारा काम है, तुम्हारा नहीं। तुम्हें हिम्मत से काम लेना चाहिए। तुम इस देश में कितने समय से रह रहे हो मिस्टर क्वेन? 1984 से मैं ब्रिटिश नागरिक हूं। तुम गुएंगशी चाइना में पैदा हुए थे ना? हाँ, मैं चाइनीज हूँ। युद्ध के बाद मैं साइगॉन में काम करता था। हम सिंगापुर भाग गए, उसके बाद मैं यहाँ आ गया। फैन से पहले तुम्हारी 2 बेटियां थी, भागने के दौरान दोनों मारी गई। और तुम्हारी बीवी, वो कहाँ है? भागने के दौरान वो दोनों मर गई। मैं तुम्हारे नुकसान के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन इस तरह तुम रोज रोज ये चक्कर लगाना छोड़ दो, इसमें कोई फायदा नहीं है। हमारी जांच में रुकावट पड़ेगी और समय भी बर्बाद होगा। आप समझ रहे हैं ना? हाँ, मैं समझ गया। मुझसे मिलने के लिए शुक्रिया कमांडर ब्रॉमली। जांच के 3 हफ्ते बाद हमें लगता है कि कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाए हैं। जनता आश्वासन की उम्मीद कर रही है। एक प्रमुख राजनीतिक शायद इसका जवाब गंभीरता से दे सकते हैं। देखते हैं वो हमारे सवालों का क्या जवाब देते हैं। हम आपको एक इंटरव्यू दिखाते हैं जो हमने डिप्टी मिनिस्टर लैम हेंसी के साथ पहले बेलफास्ट में रिकॉर्ड किया था। डिप्टी मिनिस्टर हेंसी, आप सार्वजनिक रूप से बम धमाकों की निंदा करते हैं, जिन गतिविधियों में आप पहले शामिल थे और हाल ही में जो लंदन में हुआ, उन दोनों में आपको क्या अंतर लगता है? Difference between those acts you were involved in then and what's happened in London recently? Hope? We heard none. Just years of vengeance. We needed to break the cycle, so we committed to a political path which led to 19 years of peace. So if you say hope, why are these IRA men who come from your own ranks returning to the violence? But I could say with reasonable certainty that the IRA is not behind this. डिप्टी मिनिस्टर हेंसी, आप सार्वजनिक रूप से बम धमाकों की निंदा करते हैं, जिन गतिविधियों में आप पहले शामिल थे और हाल ही में जो लंदन में हुआ, उन दोनों में आपको क्या अंतर लगता है? उम्मीद जो अब नहीं है, बस सालों का बदला लिया जा रहा है। मुझे लगता है इस तरह के गलत काम करने वालों ने कभी आम आदमी की मुसीबतों का अनुभव नहीं किया, और कुछ लोग तो वर्तमान स्थिति को खराब करने के लिए हिंसा का सहारा लेने में ही खुश है। सिग्नेचर के लिए फाइल तैयार है। सिग्नेचर के लिए फाइल तैयार है। इन पर अभी आपके सिग्नेचर होना जरूरी है। सोशल मीडिया पर अभी क्या प्रतिक्रिया आ रही है? हमेशा की तरह डर और गुस्सा। गुस्सा किस पे निकाला जा? प्रधानमंत्री जी बहुत नाराज हैं। CNN और आयरिश टाइम आपके साथ इंटरव्यू करना चाहते हैं। आज रात या कल सुबह 8 बजे कर सकते हैं। कल सुबह फोन पर। और कुछ? लाइन 2 पर आपके लिए कॉल वेटिंग है। वेटिंग? हाफ एन आवर से।
लंदन से मिस्टर कोयन आपसे बात करना चाहते हैं। उसे क्या चाहिए? बम धमाके में उसकी बेटी की मौत हो गई। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो आपसे ही बात करना चाहते हैं। उसने आपको टीवी पर देखा। हे भगवान, नैतिक कर्तव्य। अब बात कर लीजिए सर। हेलो, मैं लियाम हेनेसी, मैं आपकी क्या मदद करूं? मिस्टर हेनेसी, मेरी बेटी को किसने मारा? तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं जानता हूं तुम्हारी बेटी को किसने मारा? क्योंकि आप पहले डिप्टी मिनिस्टर हैं और कोइंचे के सलाहकार भी और पूर्व यूडीआई मेंबर। मुझे आपके हुए नुकसान का दुख है मिस्टर कौन, मेरी भी एक बेटी है। मैं इस हिंसा के खिलाफ हूँ लेकिन मैं कोई मदद नहीं कर सकता। आप मुझे कोई ऐसा आदमी बताओ जो मुझे बॉम्बर्स के नाम बता सके जिससे मैं बात कर सकूं। ओह, इस तरह के लोगों से मेरा कोई संबंध नहीं है, मुझे माफ करना। मुझे आप पर भरोसा नहीं है मिस्टर हेनेसी, आप बहुत ताकतवर आदमी है। सुनो, मैं सरकार और चुने हुए अधिकारियों के लिए काम करता हूँ, आतंकवादियों के लिए काम नहीं करता। IRA politics and terrorism are different ends of the same snake. Whichever end you grab, you still grab a snake. राजनीति और आतंकवादी एक ही सांप के दो छोर। आप कोई भी छोर पकड़ लो, वो एक ही सांप है। इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि आपने कौन सा छोर पकड़ा है, क्योंकि एक छोर काटता भी है। दोबारा मैं तुम्हारे नुकसान के लिए माफी चाहता हूँ। गुड डे। क्या कर रहे हो? ये सब करना बंद करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सब मेरी वजह से हुआ। ये क्या है? ये रेस्टोरेंट अब तुम्हारा है। लेम, तुम बहुत अच्छे दोस्त हो, ऐसी बातें करना बंद करो, मेरी तरफ देखो। मैं घर नहीं जाऊंगी, आज रात मैं यहीं रुकूंगी। मैं यहां सोफे पर सो जाऊंगी और संडे को मैं तुम्हें किसी से मिलवाने ले चलूंगी। क्वीन, तुम्हें फोन करती रही, कहां थे तुम? तुम क्या करने वाले हो? तुम वापस कब आओगे?
आपके पास कोई रूम है? ये बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट्स है जो हमें आज मिल जाने चाहिए। ठीक है, मैं उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि इसके अलावा मैं और कर भी क्या सकती हूँ। बहुत अजीब बात है ना, मुझे आपसे ऐसे सर्विस की बिल्कुल उम्मीद नहीं है। हाँ, 32917N। अपने सुपरवाइजर को बोलो कि अभी फोन करती हूँ। गुड डे। हाँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? प्लीज, मुझे मिस्टर हेनेसी से बात करनी थी। आपका नाम? नॉकमैन कॉन। वो आप ही हैं जो हमेशा फोन करते हैं? हाँ, मैंने काफी बार फोन किया। माफ करना, डिप्टी मिनिस्टर बहुत बिजी हैं, वो आपसे नहीं मिल पाएंगे। मैं वेट करूं? नहीं, आपको जाना चाहिए। जैसा इन्होंने कहा वैसा करो। ये हमेशा फोन करके लियम के बारे में पूछता है, मैं मना करती हूँ लेकिन ये मानता ही नहीं है। बस यही सब है। अब जाओ, इससे पहले हम तुम्हें यहाँ से। नहीं, मैं रुकूंगा। ठीक है। ये वही है जो लंदन से हमेशा फोन करता है। इसके पास एक चाकू भी है, बिल्कुल स्विस आर्मी जैसा। ठीक है, छोड़ दो उसे। ये आदमी तुम दोनों को आखिर क्या नुकसान पहुंचा सकता है? उसे जाने दो। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, मैं नहीं जानता कि वो बॉम्बर्स कौन थे। मैं जानता हूँ तुम गुस्से में हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारा भी यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। बेलफेस्ट में लोग तुम्हारे काम से बहुत नाराज होंगे। अगर आपको पता नहीं कि वो लोग कौन है तो मैं चाहूंगा कि आप उन्हें ढूंढ ले प्लीज। पिछले 30 सालों से मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है, और जब था तो मैंने हिंसा के खिलाफ बहुत मजबूती से लड़ा और मैं जेल भी गया। अब मैं दोनों तरफ से सिर्फ राजनीति करता हूँ, पुराने जख्मों और दरारों को भरने की कोशिश कर रहा हूँ। दोबारा, मेरी संवेदनाएं तुम्हारे साथ हैं, लेकिन सच में कुछ नहीं कर सकता। अगर आपके बीबी बच्चे बॉम्ब ब्लास्ट में मारे जाते तो आप क्या करते? मैं न्याय पाने के लिए पूरी ताकत लगा देता। इसीलिए मैंने आपको चुना है मिस्टर हेनेसी। आप बताइए, मेरी बेटी को किसने मारा? फिर कहता हूं, मैं नहीं जानता। आपको जानना पड़ेगा। पहली बार आप मुझसे मिले, उसके लिए शुक्रिया मिस्टर हेनेसी। वो अचानक से आ गया था। तुम ठीक हो बेथ? तुम ठीक हो? हाँ, इसे ले लो, ले आओ। और फिर लड़कों को ले जाकर बिल्डिंग चेक करो। आप विस्की लेना पसंद करेंगे इंस्पेक्टर? नहीं शुक्रिया। मुझे लगता है पूछना बेकार होगा कि यह काम किसने किया है। मुझे किसी पर शक नहीं है। हाँ, मुझे लगता है कि यह चेतावनी से ज्यादा कुछ नहीं। शुक्र है कि यह बम बड़ा नहीं था, अगर होता तो यह हम बात नहीं कर रहे होते। इस बीच आपको कोई खतरा महसूस होता है तो हमें इस नंबर पे फोन करो और मैं प्रेस को बताता हूं कि यह धमाका गैस लीक से हुआ।
हाँ ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर। हेलो, मिस्टर हेनेसी से बात करनी है। ये वही है। तुम मेरे ऑफिस में आए और बम लगा के चले गए। आपने अपना इरादा बदला या नहीं? इरादा बदल दूं? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुमने किससे पंगा लिया है, लेकिन बहुत जल्द हो जाएगा। मुझे नाम चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनो, हम मिलकर बात करते हैं इस बार। उसने मुझे धमकी दी और फोन कट कर दिया। ठीक है, सभी होटल्स और गेस्ट हाउस को चेक करो, किसी भी तरह से ढूंढ निकालो। घटिया आदमी। हे अंकल, क्या हुआ? मैं अभी आता हूं। गाड़ी में बॉम्ब लगा है। लगभग 10 फुट लंबे दो तार लाइट बल्ब के साथ जुड़े और थोड़े से बारूद से ढके हुए, धमाके को तेज करने के लिए। जरूरत नहीं थी, लेकिन कोशिश अच्छी है। अधूरा, प्रभावी और लगने में आसान। तो वो चाहता था कि हम उसे देखें। पता नहीं, टैंक में नहीं था तो काम नहीं करता। वो बताना चाहता था कि वो आप तक पहुंच सकता है। मिकी, हमने उसे ढूंढ लिया। एबीएनबी में, वेलिंगटन पार्क। वो मिल गया। पकड़ लो उसे, उसे बेलफिस्ट से बाहर निकाल दो, और वो वापस नहीं आना चाहिए। तुम वहीं रुको, मैं अभी आता हूं। हेलो, मैंने सुना तुम्हारे ऑफिस में धमाका हुआ है। छोटा सा, हॉल के टॉयलेट में हुआ। 60 साल में एक एशियन आदमी ने अपना गुस्सा निकाला। फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक है। उसने ऐसा क्यों किया? बैंक धमाके में उसकी बेटी की मौत हो गई थी। उसे लगता है मैं जानता हूं कि वो अकेला नहीं है जो ऐसा सोचता है। तो हमारे माफीनामे का क्या हुआ? बहुत विरोध हो रहा है। लेकिन अगर तुम हमें कुछ जरूरी खबर दोगे, कुछ ऐसा जो तुम्हारे फेवर में हो तो। मुझे एक सुराग मिला है, उसी का पीछा कर रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद करती हूँ सब कुछ अच्छा होगा। लोगों को गुनहगार चाहिए, वो लोग ज्यादा समय तक इंतजार नहीं करेंगे। राइट की ओर, टॉप फ्लोर।
पकड़ो इसे। अब मैं क्या करूं? तुम लोग गूंगे और अंधे हो क्या? एक बूढ़ा आदमी तुम सब लोगों को बेवकूफ बनाकर निकल गया और वो भी शहर में घूम रहा है तुम्हारी वजह से। तुम चार लोग थे। चार? मैंने उसे पकड़ लिया था लेकिन वो छत से कूद गया और किसी बंदर की तरह लटक गया। अपना बैग पैक करो, तुम फार्म हाउस जा रही हो। जाओ सामान रख लो। तुम ठीक हो सीन? बस तुम्हारा इंतजार हो रहा था। कैसे हो? अंदर आ जाओ, ड्रिंक्स लेते हैं। हाँ हाँ, सच में ये जगह तो बहुत बढ़िया है नसी। बुरी तो नहीं है ना? तुम्हारी आंखें बहुत तेज हैं। तो न्यूयॉर्क में तुम्हें कैसा लग रहा है? हाँ बहुत ठंड है यहाँ। हाँ। मर्फी ने मुझे कुछ बताया था उस चाइनीज आदमी के बारे में। उसने मेरे ऑफिस में बम लगाया, एक मेरी गाड़ी में भी लगाया और साथ ही उसने मिक और जिमी को भी मारा। तो मैं उसे हैंडल करूं? नहीं, ये कैवनैक की प्रॉब्लम है। मैं लंदन बॉम्बिंग में तुम्हारी मदद चाहता हूं। कुछ पता चला कि इसके पीछे कौन है? कुछ भी नहीं। वैसे वो लोग खुश नहीं है। हर तरफ इंसानों के मरने की खबर है, अब किसी भी तरह फंडरेजिंग करना नामुमकिन है। मैं फंडरेजिंग की बात नहीं कर रहा सेन, मैं चाहता हूं कि तुम लंदन जाकर किसी से मिलो। रिचर्ड बॉमले SO15 में। SO15? मैं जानता हूं कि यह काम बहुत मुश्किल है। उसे बताना जरूरी है कि धमाके हमने नहीं किए थे, हमें उसकी मदद लेकिन चाहिए। मैं क्यों? क्योंकि तुम शाही आयरिश रेजिमेंट के एक सम्मानित रेंजर हो। ब्रॉमली हमें से ज्यादा तुम्हारी इज्जत करेगा और यह बात मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अगर किसी को खबर लग गई कि हम अपने में से किसी गद्दार का पीछा करने के लिए हम ब्रिट से बात कर रहे हैं तो मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो क्या मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ? बहुत होशियारी से। हाँ ठीक है। हाँ। बहुत शुक्रिया। बहुत देर लगा दी? हाँ थोड़ी देर हो गई, मुझे कुछ जरूरी काम करने थे। मैं अभी आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना। ये क्या है? मिस्टर मॉरिसन, कमांडर ब्रॉमली, हमने नहीं किया। सच में? फॉरेंसिक सबूत और जिस कोड वर्ड का इस्तेमाल हुआ वो तो कुछ और ही बताते हैं। ये कुछ गद्दारों का काम है,
नहीं पता वो कौन है। तुम ये कहना चाहती हो कि कोई यूडीआई यूनिट काम कर रही है और तुम इस बारे में कुछ नहीं जानते? मैं जानता हूँ। और फेमटेक? वो गोदाम में है। गोदामों का सारा बारूद तो समझौते के लिए दिया गया था। और तुम्हारा कोडबर्ड? हम में से ही कोई है जो उनकी मदद कर रहा है, बेलफास्ट या डुब्लिन। तो आप चाहते क्या मिस्टर मॉरिसन? मेरे पास एक प्लान है। कमांडर के सभी मेंबर्स को अलग अलग कोड दिए जाएंगे। प्लान ये है कि और जब अगले धमाके के लिए वो लोग जिम्मेदारी लेंगे तो उनका कोड आपको हमें बताना होगा। इस प्लान में और कौन शामिल है? लीम हेनेसी। लीम ने उन लोगों को पकड़ने का बहुत अच्छा प्लान बनाया है। केवल लीम को पता होगा कि किसे कौन सा कोड देना है। सेल को पकड़ने के लिए मिस्टर हेनेसी पर्सनली हमारे साथ काम करेंगे। हाँ, क्यों नहीं। मेरी एक शर्त है, जब हेनेसी को बमर के बारे में पता चले तो वो सीधा मुझे बताएंगे, उसके बाद हम उनसे निपटेंगे, तुम नहीं। हमें उसके कमरे में से कुछ प्लास्टिक बैग्स मिले हैं। जैसा कि मैंने देखा, उसने नाइट्रोग्लिसरीन के साथ थोड़ा सा बारूद मिलाया है। Packed it into some plastic plumbing pipes. How much damage can he do? I'm guessing. और उसे प्लास्टिक के पाइप के टुकड़ों में भरा है। मुझे शक है उसने चार बम बनाए हैं। एक बम से एक गाड़ी तो जरूर उड़ेगी। हे भगवान। बेलफास्ट में आते ही हम उसे ढूंढ लेंगे। आप यहाँ सुरक्षित हैं। मुझे इस बात पे भरोसा नहीं। यही कहीं पे होगा, जाने ना पाए। तुम उधर देखो, तुम उधर जाओ, उधर देखो, तुम उधर आओ, वो देखो वहां पे क्या पड़ा है, वो देखो, पर हाँ, देखो इधर फेंको, हाँ, देखो इधर फेंको। हे भगवान, उसने जेनी और शॉन पर भी हमला किया, लेकिन वो ठीक है। बेलफास्ट से और आदमियों को बुलाओ। हमने उसे बहुत कमजोर समझा, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या ये भी चेतावनी है लाइव? छोड़ो भी, मैं उसे संभाल लूंगा। पहले बेलफास्ट और अब यहाँ, वो तो मैं देख रही हूँ तुम सब कुछ कैसे संभाल रहे हो। मैं इस प्रॉब्लम से निपट लूंगा। वो हमारे फार्म हाउस को बर्बाद कर रहा है, पता नहीं वो क्या करना चाहता है, और तुम इसे बस प्रॉब्लम कह रहे हो। पता नहीं तुम इतना दिखावा क्यों करते रहते हो। मैं लंदन जा रही हूँ, कैरी के साथ रहूंगी। मुझे लगता है तुम्हारा वहाँ जाना ठीक है। मुझे जाने के लिए मुझे तुम्हारी परमिशन नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता कि उसके पास हमारी बेटी के घर का पता है, फिर भी वो तुम्हारे पीछे पड़ा है, मेरे नहीं। बात दरअसल ये है कि जब वो फार्म हाउस तक पहुंच सकता है तो शायद वो वहां भी जा सकता है। ये खतरे से खाली नहीं है। अच्छा, तो अभी तो तुमने कहा था कि तुम सब कुछ संभाल लोगे। मुझे वो समय याद है जब तुमने ऐसी चीजों का सामना किया था अच्छी तरह से, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वो दिन अब नहीं रहे। अगर इसका वजन बढ़ा तो यह आसानी से दिख जाएगा।
मैं इसमें बस सिम्टेक्स, माइक्रोचिप और थोड़ा सा तार जोड़ रहा हूँ। अच्छा लग रहा है। स्कैनर से इसे बचाना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। और इसे ऑन छोड़ दे तो? बैटरी कम चलेगी लेकिन ये काम करेगा। आगे का क्या प्लान है, कुछ पता है? नहीं, जिस फ्लाइट में आईडी शो से हम नहीं उड़ा सकते, महारानी की किसी गाड़ी में इसे लगाना अच्छा होगा। बस हमें मौका मिलना चाहिए। कोडवर्ड बदल दिया गया है आज रात से। मेरी न्यूज एडिटर पूरी तरह पागल है। इतने पैसों के वो जूते पहनती है जितना मुझे 8 घंटे के बकवास लिखने के बाद मिलते हैं। बिल्कुल सही कहा, नए अच्छे जूते पहनना किसे नहीं पसंद होगा। तुम्हें अच्छी विस्की पीनी चाहिए, टू जेम्सन सिंगल माल्ट। पत्नी ने पति के ट्रांसजेंडर प्रेमी पर हमला किया। तुम कोई जरूरी खबर लिख रहे हो क्या? हाँ, अगर पैसा मिलेगा तो जरूर लिखूंगा। खूनी बम धमाकों में बहुत लोग मारे गए। तुम करती क्या हो? पैसों का इंतजाम। मैं मैगी। इयान। शुक्रिया मैरी। खबर आई है कि बेलफास्ट से 6 और आदमी निकल चुके हैं। जब वो यहाँ आएंगे तो जो लोग रात से ड्यूटी पर हैं उनको राहत मिलेगी। सुरक्षा के लिए क्या है, काफी? हाँ, काफी हद तक। 20 लोग लगातार 2 शिफ्ट में काम कर रहे हैं। ठीक है, तुम आज मैरी के साथ लंदन जा रहे हो। ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पहले तुम कैरी के पास जाओगे, फिर दोनों को होटल में शिफ्ट करोगे। मैं सब कुछ मैनेज कर सकती हूँ। मुझे इस पर कोई बहस नहीं करनी, मेक सब संभालेगा। तुम जा रही हो। इसे हॉस्पिटल लेके जाओ, मैरी को एयरपोर्ट लेके जाओ। ठीक है, जाओ। ये नाइट्रो बम था जिसे रिमोट से उड़ाया गया, वो यही कहीं पास में ही होगा। वो जंगल, वो शायद वही है। जाओ। जॉन, मैक, गाड़ी में बैठो, चलो चलो चलो। चारों तरफ फैल जाओ, मैं इधर जाता हूं। ये क्या हो रहा है? एक बूढ़े आदमी ने हम सबका जीना हराम कर रखा है, उसे पकड़ना मुश्किल क्यों है? वो हमेशा हमसे एक कदम आगे रहता है। हमें और आदमी चाहिए। हमें कम से कम 100 आदमी और चाहिए, और अगर हमने ऐसा किया तो पूरा बेलफास्ट हमारे खिलाफ हो जाएगा। हमें एक शिकारी चाहिए जो जंगल के बारे में जानता हो और उसी के खेल में उसे हरा सके। मेरा भांजा? हाँ, उसकी कुर्बानी दे सकते हो?
योग मिकरात आए हैं। सुना है तुम मेरे गोदामों की चेकिंग कर रहे हो? हम सबकी चेकिंग कर रहे हैं, इसमें अलग क्या है? चार कम मिले हैं जिसमें से दो तुम्हारे हैं, 10 किलो सेमटेक्स गायब है। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? मेरे गोदामों में कोई लिमिट नहीं होगी, ये बात तय हुई थी, याद है? तुम मीटिंग में थे, तुम्हें जब पता था कि कुछ कमी है तो संभालना चाहिए था। वह कोई कमी नहीं थी, मैंने खुद उन्हें चेक किया था, ये सही बात है। अच्छा, लंकिया कमेटी को पता है कि वो मेरा सेमटेक्स था? समझ में नहीं आता किस पर भरोसा करें, है ना? भरोसा या डर, तुम्हारे चेहरे पर तो डर ही दिख रहा है, सरल और क्रूर जैसा मेरे डैड ने सिखाया था। देखो, हमारे पास यहां एक मौका है, अगर तुम चाहो तो। इस चाइनीज आदमी ने तुम्हें परेशान कर रखा है, मैं अपने आदमियों से मरवा सकता हूं। तुम इस बारे में बहुत कुछ, तुम्हारे ऑफिस में बम, तुम्हारा फार्म, तुम्हारी कार, मेरी और तुम्हारी बेटी लंदन के एक होटल में छुपे हैं, ये सब क्या है? UVF की तरह लोग कमजोरी सूंघ लेते हैं, तुम्हें बेलफास्ट वापस जाना चाहिए, सबके सामने चार्ज लेना चाहिए। देखो, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं। कहना क्या चाहते हो? बम धमाके, थोड़े से अच्छे शब्दों से अगर उनका हौसला बढ़ाओगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। हौसला बढ़ाओ? उन्होंने लोगों को कितने बुरी तरह से मारा है। थोड़ा आगे बढ़ गए हैं मैं जानता हूँ, लेकिन उन्होंने हमें एक सही दिशा दी है। ब्रिट्स का पतन बहुत करीब है। मैंने कहा था उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचा, बस इतना ही, किसी को चोट न पहुंचे। इसी बात पे हम सहमत हुए तो तुमने मुझसे वादा किया था। और मैंने अपने वादे को पूरा किया। मैं नहीं जानता कि वो लोग कौन हैं, और नहीं उन्हें जो ऐसे लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है बस होने दो, क्योंकि अगर कुछ भी गलत हुआ तो वो उनका पीछा करते हुए सीधे हम तक पहुंच सकते हैं। गलत हुआ? ये हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था, मैं बस अपने लोगों को वापस लाना चाहता था। हम दोनों ने अपनी कुछ नहीं किया, मैं जानता हूँ। तुम इलेक्शन जीतने के लिए बम के धमाके चाहते थे, रैंक में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते थे। एक बात समझ लो, किसी भी कीमत पर प्लान में बदलाव नहीं होगा। तुमने इतना कुछ किया और उसके बाद भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। M-62, अल्डरशॉट, माउंटेन बेटेन, और फिर तुम उसे और बढ़ाने की बात कर रहे थे। पुरानी बात है, ये वो नहीं है जो मैंने कुछ महीने पहले सुना था। एक ऐसा आदमी जो अपने रास्ते पर लौटा एक प्लान के साथ। तुम शायद भूले नहीं कि हम किस लिए लड़ रहे हैं ना? तुम मेरी वफादारी पर शक कर रहे हो? मैंने अपने साले को दफनाया, उससे पहले अपने पिता और दो चचेरे भाइयों को। आयरलैंड को जोड़ने के संघर्ष में हमने अपने लोगों का खून बहाया, उनमें फूट डाल के फायदा उठाने के लिए नहीं। इसलिए दोबारा मत कहना कि मैं भूल गया हूँ कि हम किसके लिए लड़े हैं। अगर यहाँ कोई है जो मुनाफा कमाना चाहता है तो वो तुम हो। अपने फैंसी घर में बैठकर ब्रिट्स की चापलूसी कर रहे हो। मैं जानता हूँ तुम वो लैम नहीं हो जिसे मैं जानता था। तुम मुझे पहले की तरह देखना चाहते हो? हाँ, कसाई की तरह लोगों को काटने वाला, ऐसा चाहते हो? तो ठीक है, मेरी बात सुनो। तुम जाओ और उन कमीनों के चक्कर काटते रहो, बस अब तुम देखना मैं कितने लोगों को दफनाता हूँ। ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ, अगर जरूरत पड़े तो मैं फार्म हाउस पर हूँ। और हाँ, अपनी कमेटी के मामले को संभाल लेना, और मैं नहीं चाहता कि वो सेमटेक्स के बारे में किसी भी गलत निर्णय पर पहुंचे, समझ गए? तुम में से किसी को पता है मेरी लंदन में कहाँ रुकी है? नहीं, सिर्फ मर्फी जानता है। मैक्रैच जानता है कि वो कहाँ छुपी है, पता करो कैसे। कैसे हो चार्ली? बहुत थके हो, अब उठो चलो। अब उठो भी चार्ली, उठो चार्ली।
मेरे कुत्ते को मारा। वो ठीक है, वो सो रहा है, बैठो। मैंने बम लगा रखा है, अगर कोई अंदर आया तो मैं बटन दबा दूंगा और हम मारे जाएंगे। चलो, उनका नाम उन्होंने दावा किया है कि वो यूटीआई से, लेकिन मुझे सच में नहीं पता कि वो कौन है। जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। झूठ बोल रहे हो, मेरी बेटी को किसने मारा? मुझे माफ कर दो, मैं सच में नहीं जानता। उन लोगों ने जो बारूद इस्तेमाल किया वो सेमटेक्स एच है ना? हाँ, तुम सेमटेक्स के बारे में जानते हो? मैं सेमटेक्स एच जानता हूं, युद्ध के दौरान इसे सेना के लिए बनाया था, जो धमाके के लिए अच्छा है। वियतनाम में? हाँ, सिमटेक्स की वजह से बहुत से अमेरिकन लोगों की जान गई। यूटीआई ने इसी से मेरी बेटी की जान ली। मेरी बदकिस्मती है। मैंने तुम्हारे बारे में पढ़ा है, हम दोनों जंग के बारे में जानते हैं। हम दोनों ने इसे छुपाने की कोशिश की, और तुम और मैं, हम दोनों एक जैसे हैं। हम एक जैसे बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। तुमने औरतों और बच्चों को मारा है, नाम बताओ। मैं कसम खा के कहता हूँ मैं नहीं जानता। रुको रुको, मैंने एक जाल बिछाया, जैसे वो दूसरा बम यूज करेंगे और जब वो धमाकों की जिम्मेदारी लेंगे तो एक कोड वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, पुलिस को बताने के लिए कि वो यूटीआई से हैं। मैंने वो कोड वर्ड बदल दिया है, तो जैसे वो यूज करेंगे मुझे पता चल जाएगा। तुम्हारे पास एक दिन है, और तब तक अगर उन्होंने बम नहीं लगाया तो 24 घंटे। हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? पहले हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब हमने रैप्टर की मदद से इन सभी तस्वीरों को अच्छी तरह एनालाइज किया तो बहुत जरूरी बात पता चली। ये देखो, यहाँ इसके पीछे कुछ जले का निशान या बर्थमार्क है। हम इसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा लेकिन हम पता लगा लेंगे। आ जाओ, चलो आओ। कैसे हो शॉन? आने के लिए शुक्रिया। ओह हाँ, मैं ठीक हूँ। वहाँ एक और धमाका हुआ। हाँ, मैंने भी सुना है। हाँ, लंदन की बस में। ब्रॉमली ने फोन किया? नहीं, अभी तक नहीं। मैग्रात अपने आदमियों के साथ आ रहा है, वो तुम्हारी मदद करेंगे। नहीं, मुझे उनकी जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगा। ठीक है। उनका फोन आया था, लेकिन उन्होंने कोई कोड वर्ड नहीं दिया। ये सब हो क्या रहा है? शायद वो कोई और हो। प्रेस एसोसिएशन में बात की थी, आयरिश बोलने वाले आदमी ने कहा था कि न तो ब्रिट्स के साथ कोई समझौता रहेगा और न ही कोई कोड वर्ड। उसे अच्छी तरह पता है कि किस बम में कितना बारूद इस्तेमाल किया गया और फिर वहीं से ही सेमटेक्स इस्तेमाल किया गया है। या तो किसी ने बात की, उन्हें चेतावनी दी, या आप मुझसे खेल रहे हैं। केवल दो ही लोगों को पता था कि हम क्या कर रहे हैं, मुझे खुद और मॉरिसन। जैसा कि मैंने कहा था, कोई भरोसे लायक नहीं है। मुझे एक नंबर दो जिस पे मैं तुमसे कभी भी बात कर सकूं। मुझे जानकारी मिलेगी तो मैं तुम्हें फोन करूंगा। लेकिन जरा जल्दी करना, वरना तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा जो तुमने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा।
अब एक बस, ये सब क्या है? 16 लोग मरे और 2 घायल हैं। तो अब मैं क्या करूं? मैंने उनको पकड़ने का जो प्लान बनाया था वो काम नहीं किया। मैं अभी डाउनिंग स्ट्रीट से ही आ रही हूँ। प्रधानमंत्री तुम्हारे माफीनामे पर गौर करेंगे, लेकिन तब जब तुम उन्हें बॉम्बर्स के नाम बताओगे। भगवान के लिए तुम ही मुझे बताओ कि मैं कैसे करूं। कोई रास्ता निकालो। 48 घंटों में पैरा ट्रूपर को अपनी सड़कों पर वापस लाने की योजनाएं चल रही हैं। बेलफास्ट में विद्रोह हो जाएगा। बॉम्बर्स को जो चाहिए तुम उन्हें क्यों नहीं दे देती? क्या करूं, ये सब मेरे हाथ में नहीं है। कुछ पता चले तो मुझे फोन करना। मैं कल एक कॉन्फ्रेंस के लिए रोम जा रही हूं। फोन हमेशा मेरे पास रहेगा। लंदन कैसा था? मैरी ठीक है ना? आपने मुझे उस पर नजर रखने के लिए कहा था। उसकी और कैरी की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी थी। तो होटल की लॉबी में मैंने कुछ वक्त बिताया, आने जाने वालों पर नजर रखने के लिए। तुम जानते हो, उसे नहीं पता था कि मैं वहां पर हूं और आपका भांजा वहां आया। उसने मैरी के कमरे में 2 घंटे बिताए। उसने मैरी के कमरे में 2 घंटे बिताए? हाँ, और उसके जाने के बाद मैरी नीचे आ गई और उसने लॉबी के फोन से ह्यूग मैग्रेथ से बात की। हो गया। अगर उन्होंने इसे नहीं निकाला तो पता भी नहीं चलेगा इसमें बम लगा है। कमाल कर दिया, ये काम कैसे करेगा? अंदर की घड़ी से। जब फ्लाइट का पता चलेगा तो हम टाइम सेट कर देंगे। कल रूम में एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें शामिल होने सभी वीआईपीज कल 3 बजे की फ्लाइट से वहां जाने वाले हैं। बहुत अच्छे, तो ये काम कौन करेगा? सारा ये काम करने के लिए तैयार है। जले के निशान वाला ये आदमी हमें अपने डेटाबेस से मिला। ये 29 साल का पैट्रिक ऑयरेली है जो बेलफास्ट से हमें मिला था। ऑयरेली 3 साल पहले घरेलू हिंसा के जुर्म में हेड बैंक में 2 महीने की सजा काट चुका है। हमने ऑयरेली को पहचानने के लिए फेसियल डेटा से मैच किया और हमें ये मिला। ये वही है जिसे 4 हफ्ते पहले डबलिन पब में यूडीआई मेंबर के साथ देखा गया। ये यूडीआई मीटिंग की सबसे फेमस जगह है जो कई सालों से हमारी निगरानी में है। उसके साथ वो 2 लोग कौन हैं? हम बहुत जल्दी पता लगा लेंगे मिनिस्टर। बम धमाकों के पास इसकी और एक औरत की पहचान हो चुकी है। यस। तुम्हारा जासूस है एम सिकरा। क्या तुम सुन रहे हो हेंसी? तुम्हें पूरा यकीन है? शांत रहो। नाइट ब्रिज के बमर की पहचान हमने कर ली है। उसका नाम है पैट्रिक ऑयरली, बेलफास्ट से। 3 हफ्ते पहले मिस्टर ऑयरेली को डबलिन पब में एमसी ग्रा के साथ मीटिंग करते देखा गया है। एमसी ग्रा और ऑयरेली कहाँ हैं? मैं ऑयरेली को नहीं जानता और मैं ग्रा को भी नहीं देखा। चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। उसका फोन जीपीएस बता रहा है कि वो तुमसे 52 मीटर दूर दक्षिण में है। मैं देख सकता हूँ कि वो तुम्हारे पास ही आ रहा है। चलो ये खेल खत्म करते हैं। 12 आदमियों की टीम के साथ हमारा एक प्लेन तैयार है। वो 30 मिनट में वहां पहुंचेंगे और एमसी ग्रा को अरेस्ट कर लेंगे। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि उसके बाद क्या होगा। उसके साथ तुम्हारी ये दोस्ती तुम्हारा पूरा कैरियर खत्म कर देगी। तुम्हारे पास एक मौका है। क्या? अपने तरीके से एमसी ग्रह से वो सब हासिल करो जो हमें चाहिए, नाम, लोकेशन और वो सब कुछ। तुम उसे तो नहीं लेकिन खुद को बचा सकते हो। 30 मिनट, जानते हो तुम्हें क्या करना है? मैं उन्हें वापस बुला लूंगा। जैम। मैं ग्राह के आदमियों को सौन के पास भेज दो, देखो शायद उसे मदद चाहिए। मुझे अपना फोन दो। ये क्या हो रहा है? फोन दो। चुप जाओ, यहां इस कुर्सी पर बैठ जाओ। लंदन में एक बस को उड़ा दिया। नहीं, रुक जाओ। बताया भी नहीं। 16 मौतें। तुमने मेरी पीठ में खंजर मारा और अपनी जंग फिर से शुरू करने के लिए तुमने खूनी खेल खेला। ये प्लान करना आसान नहीं था। ये कोई बमबारी का अभियान नहीं था।
तुमने कहा उन्हें नुकसान पहुंचाओ और हमने कर दिखाया। बच्चों को मारकर तुम खुद को कभी नहीं रोक सकते। तुम यह नहीं कर पाओगे, सब खत्म हो चुका है। उनके नाम, पते और लोकेशन तुम जानते हो, मैं ये नहीं कर सकता। तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? अब लिखो और वो लिखो जो मुझे पहले से ना पता हो। तुम जानते नहीं, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुमने मेरा इस्तेमाल किया। तुम खुद के राजनीतिक फायदे के लिए माफी मांगना चाहते थे। तुम हमारे सिद्धांतों के लिए कलम को। चार आदमी और एक औरत। मैगी टॉन, तुम उसे यही बुलाते हो ना? सारा मकाय उसका असली नाम है। वो तुम्हारे लिए काम करती है। सही कहा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम नहीं जानते। समझते क्यों नहीं? अगर उन लोगों ने उसे पकड़ लिया तो वो उन्हें सीधा तुम्हारे पास लेकर आएगी। तुम्हारा बचना आसान नहीं होगा, समझे? एसओ 15-20 मिनट में यहाँ होगी तुम्हें पकड़ने के लिए। हम दोनों जानते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझे ब्रिट्स के हवाले कर दोगे, यही ना? मैं जानता हूँ तुम बड़े कमीने हो। इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। उन्होंने यूडीआई पब में तुम्हें पेट्रो रैली के साथ देखा, और जिसकी पहचान नाइट ब्रिज बॉमर के रूप में हुई है, और तुम्हारे इस जीपीएस फोन की वजह से वो यहाँ तक आ गए। तुमने सारे रूल्स तोड़ दिया आगे। अब तुम्हारी की हुई गंदगी मुझे साफ करनी होगी, जो मैं पिछले 30 सालों से कर रहा हूं। और एक आखिरी बात, मेरी बीवी, उसके बारे में क्या? वो अपने भाई की वजह से तुमसे नफरत करती है, और इसलिए वो मेरे पास आई। और हाँ, मैंने उसकी मदद की और उसने मेरी। लोकेशन मिल गई है, मैं उसकी जानकारी भेजता हूँ तुम्हें, जरूरत पड़ेगी। कौन की बेटी को जिसने मारा, उसका नाम पार्ट और रैली है। उसके दाहिने हाथ पर जले का निशान है। किसी भी तरह शॉन, ये सब खत्म कर दो, समझ गए? तुम सुन रहे हो? ठीक है। जानते हो तुम अब तक क्यों जिंदा हो? तुम्हें नाम जानने हैं। वो मेरा फोन है। आखिरी मैसेज कोड 7741। पांच नाम और उनकी लोकेशन लंदन में। ओरायली की वजह से तुम्हारी बेटी की जान गई।
उसके दाहिने हाथ पर जलने का निशान है। तो तुम फौज में हो? इराक, रॉयल आयरिश रेजिमेंट, टूटूर स्पेशल फोर्स। तुम कैथलिक हो लेकिन ब्रिटिश के लिए लड़ते हो, क्यों? मैं रेजिमेंट के लिए लड़ता हूं, हमारे लिए धर्म मायने नहीं रखता, हम सब एक जैसे हैं। परिवार? एक भाई है, इसके अलावा मेरा कोई नहीं। आ जाओ। बैठ जाओ शॉन। तुम्हें देख के लग रहा है कि किसी जंग से आ रहे हो। हाँ, उसने मुझे बांध के रखा था, उसने मेरी कुछ चीजें ली और मुझे छोड़ दिया। बम धमाके के बाद जब बॉम्बर्स ने फोन किया तो उन्होंने कोड वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि किसी ने उन्हें बता दिया था। कोड वर्ड बदलने की वजह बस दो ही लोगों को पता थी, तुम और मैं। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, मेरी बस ब्रॉम्बले से बात हुई, ये तुम जानते हो। अगर मैं कहूं कि मर्फी को मैंने मैरी पर नजर रखने के लिए लंदन भेजा था, मेरा अपना ही खून, मुझे मैं नहीं जानना चाहता कि उस दिन बंद कमरे में क्या हुआ था। मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि तुम दोनों में क्या बातें हुई जब तुम्हारी प्यारी मामी तुम्हारे साथ थी। क्या उसने कहा कि मैग्रा और बॉम्बर से उसका कोई संबंध है? नहीं, कभी नहीं। वो अपने भाई के लिए परेशान थी और उसी की बात कर रही थी। जब मैं और आप कोडवर्ड के बारे में बात कर रहे थे, उसने कोड के बारे में पूछा लेकिन मैग्रा के बारे में नहीं बताया। तो वो फोन पे हमारी बातें सुन। उसने कोडवर्ड के बारे में बात की लेकिन उसका मानना था कि कोड बदलने से कोई फायदा नहीं होगा। तो क्या उसने बातचीत जारी रखी? शायद हाँ, उसने बात की। अच्छा, बेवकूफ बनाया उसने तुम्हें। तो क्या उसने बॉम्बर्स को बताया? उसने मैग्रा को और मैग्रा ने लोगों को बताया। बहुत चलाकी से काम किया, तुम्हें बेवकूफ बनाकर सारी जानकारी ले ली शॉन। उसने तुम्हारा इस्तेमाल किया। लियोन, चुप रहो। इसे ले जाके खेत में दफना दो। उसके बाद तुम्हारे लिए एक आखिरी काम है और वो पूरा हो जाने के बाद वापस न्यूयॉर्क चले जाना। थैंक यू। जीरो, मैं हूं अल्फा टू। एक लड़की टारगेट हाउस की तरफ आ रही है। जीरो, एक लड़की टारगेट हाउस की तरफ आ रही है, कॉपी। लड़की टारगेट हाउस पहुंच चुकी है और मुझे दिखाई नहीं दे रही। लड़की टारगेट हाउस में पहुंच चुकी है और मुझे दिखाई नहीं दे रही, कॉपी। सब ठीक चल रहा है। सियरा, नजर रखो, जैसे ही वो लड़की टारगेट हाउस में दिखाई दे मुझे बताओ। सियरा टू, रोजर दैट। सियरा थ्री, रोजर दैट। वो आदमी बालकनी पर है। लड़की सामने के दरवाजे पे आ रही है। कैसा रहा? मैंने कर दिया।
वो आदमी और लड़की कमरे से निकल गए हैं। जीरो में हूं अल्पटू, एक औरत और दो छोटे बच्चे टारगेट हाउस के अंदर जा रहे हैं। ठीक है। That had to be done. I just shagged him. It was fucking disgusting. Look, I know what you went through, all right? Do you, Dennis? Do you really? Well, maybe for the next bomb he can set up a gay magistrate. How would that be? Taking a shower. Next. वो आदमी लिविंग रूम में आ रहा है। अब सारे लोग लिविंग रूम में आ गए हैं। सभी लोग अपनी पोजीशन पे पहुंच जाओ जल्दी। दिख नहीं रहा है, लड़की ने पर्दा बंद कर दिया है। अब तुम्हें कंट्रोल करना है। रुको रुको रुको, रुक जाओ। सियरा, मुझे बताओ वहां क्या चल रहा है। बाहर के दरवाजे पे दो लोग हैं। कौन? परेशानी के लिए माफी चाहती हूँ, बिल्डिंग में गैस लीक हुई है। गैस मैन को आपके फ्लैट में गैस चेक करना है। नहीं, यहाँ सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माफ कीजिएगा, ये सभी फ्लैट की जांच कर रहे हैं, ये इमरजेंसी है, ये बहुत जरूरी है। मिस्टर ऑप्टन, कानून के मुताबिक चाबी इस्तेमाल कर सकती हूँ। ठीक है, अभी खोलता हूँ, छुपा दो। काम खत्म करके आ जाइए, हम दूसरे फ्लैट में चलते हैं। शुक्रिया, मैं जल्द ही वापस आता हूं। इस तरफ। क्या आप बताएंगे किचन किस तरफ है? पहले अपना बैग उस टेबल पर रखो। चलो बैग खोलो। रुक जाओ। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। अपनी
सभी टीमें तैयार रहो, तैयार रहो, जाओ। आदमी मर गया, उस लड़की का क्या हुआ? वो जिंदा है, सब कंट्रोल में। TamilRockers.ro किसका प्लान था ये? पहाड़ में जाओ। क्या है ये? हाँ, तुम्हारा दूसरा बम? पहाड़ में जाओ। बोलो वरना गोली मार दूंगा। चुकी है, 9 मिनट में फट जाएगा लैंड करने से पहले। क्या कहा? प्लेन? कौन सा प्लेन? कौन सा प्लेन? उसकी शर्ट खोलो। ये ऐसे नहीं बताएगी। मैं सवाल पूछूंगा, तुम जवाब दोगे। उसने बता दिया, रोम के लिए फ्लाइट 136, पैसेंजर का नाम यान वुड, उसके लैपटॉप में बम है, 3 बजे का टाइम सेट किया गया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक जरूरी सूचना, रोम जाने वाली फ्लाइट 136 थोड़ी देर में जाएगी, आपको हुई असुविधा के लिए धन्यवाद। यान वुड, यान वुड, यहाँ कोई यान वुड है? यान वुड, यान वुड, यान वुड, Ian Wood! ये सब क्या हो रहा है? आखिर हो क्या रहा है? वो किसी Ian Wood नाम के आदमी को ढूंढ रहे हैं। वो तो मैं हूँ। Ian Wood! मैं हूँ Ian Wood! Ian Wood! मैं हूँ Ian Wood! ये तुम्हारा लैपटॉप है? हाँ। हट जाओ! हट जाओ! हट जाओ! हट जाओ! हट जाओ! उसने कहा एक चाइनीज गैस मैन आया था, उसके पास गन थी, उसने गोलियां चलानी शुरू कर दी, उसे छोड़कर उसने सबको मार दिया और चला गया। उसने क्या कहा कि वो चाइनीज मैन है? हाँ, लगभग 60 साल की उम्र का। अच्छा काम किया, हमारा मिशन पूरा हो गया है। और सुनो, कोई सबूत मत छोड़ना। समझ गया। ब्रोमली बोल रहा हूँ, मुझे सभी शहर और जिला यूनिट्स के लिए एपी की जरूरत है, बैंपिंग हाई स्ट्रीट से A1203 तक। संदिग्ध एक एशियन है, उम्र 61 साल, कद 5 फुट 8 इंच, वजन 70 किलो। उसका नाम है नॉक मिन क्यून, उसके पास हथियार हैं और उसने US स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग ली है, बहुत सावधानी से रहना।
बोलो। मैं उसी फ्लाइट पे थी जिसे वो लोग उड़ाना चाहते थे। तुमने सही समय पर जानकारी दी इसलिए हम उन्हें रोक पाए। मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ। सुनकर अच्छा लगा कि तुम ठीक हो। सभी बॉम्बर्स को खत्म कर दिया गया है और सारा मके को भी, जिसे तुम मैगी बुलाते हो। जो बम मेरी फ्लाइट में रखा जाना था वो उसने एक रिपोर्टर को दिया था। बस में धमाका भी उसी ने करवाया था और इसका सीधा संबंध तुमसे है और मैकरात से। हमें उसके फोन पर आने वाले हर कॉल का रिकॉर्ड तुम्हारे फार्म और घर के पास लगे टावर से मिला है। 250 सटीक लोकेशन और एक्टिवेशन का पता चला है, जो तुम दोनों की आपसी गतिविधियों के अनुरूप है। कैथरीन, मैंने पीएम से बात की है, वो अभी के लिए तुम्हें अपने ऑफिस में रखने के लिए तैयार हो गए हैं। मैं उन 5 फरार लोगों को माफी दे रही हूँ, उनमें तुम्हारा एक भांजा भी है। लेकिन कोई गलती मत करना डिप्टी फर्स्ट मिनिस्टर, मैं जैसा कहूंगी वैसा ही करोगे। तुम अगली फ्लाइट से लंदन वापस आ रहे हो। तुम कल SO-15 और मुझे वो सब कुछ बताओगे जो तुम जानते हो, सब कुछ। इवनिंग सर। तुमने मुझे कैसे ढूंढा? मैंने तुम्हें नाम बता दिया, अब क्या चाहिए? यह औरत बॉम्बर थी। तुमने झूठ कहा, तुमने सब कुछ प्लान किया था। जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं तुम्हारी बेटी को मारना नहीं चाहता था और ना ही किसी और को। भेजो जल्दी। अभी इंटरनेट पर है तुम और तुम्हारी प्रेमिका। पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि तुम आतंकवादी हो। गुड बाय मिस्टर हेनेसी। rockers.ro लैंसमैन बोल रहा हूँ सर, S-11 से। वो मिल गया। वो वापस आ गया है। हमारे लिए क्या ऑर्डर है सर? क्या हम उसे मार दें? सियरा 2, रोजर दैट। मुझे लगता है कि हमें इसका एहसान मानना चाहिए। तुम लोग वहां से हट जाओ और उस पर नजर रखो। बस एक काम करते रहना, मुझे इसकी हर रिपोर्ट देना। यस सर।
hackers.com.